हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैंने स्पेशली मुझे जो कमेंट्स आए हैं उसके बेस पर बनाया है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस कैरियर। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉगर आई बिलीव यू नो वेयर वी हैव इंस्टॉल्ड दिस कैरियर। आई डोंट नो अगर कुछ और दूसरा भी हो सकता है, बट या आई थिंक एज टोल्ड बाय द डीलर कि ये फर्स्ट बाइक है जहाँ पे इन्होंने ये वाला कैरियर इंस्टॉल किया है। सो देखेंगे, इट्स जस्ट द सेम सेटअप जो पहले था, बट उन्होंने एडिशनल जो स्क्रूज़ हैं कहीं ज़्यादा नहीं लगाए हैं। सेम जो पॉइंट्स हैं, से दिस इज़ द वन पॉइंट जो पहले से था वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट कनेक्ट किया है। यू कैन सी इट्स नो एडिशनल स्क्रू, राइट? तो ये सेम है, वहीं पे इन्होंने एडजस्ट किया है। और ये एक स्क्रू नया डाला है इन्होंने यहाँ पे जस्ट फॉर अ सपोर्ट यहाँ और बोथ साइड। सो ये है, प्लस बाकी सारे स्क्रूज पहले ही थे जो मड गार्ड के यू नो ऊपर हैं। ये भी देखिए सेम स्क्रू है, एंड जस्ट ऑन दैट दे हैव कनेक्टेड दिस। सो आप अगर शोरूम से ही कराएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यू नो इट मेक सेंस। अगर बाहर से भी करा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बट आई डिड इट फ्रॉम शोरूम। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा मेरे को। आई थिंक आई हैव पेड 5,800 रुपीज़ फॉर दिस। दो उन्होंने एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ चार्ज किया, बट या सो आई डोंट नो, बट यूजुअली एक 6,000 तक हो इन्होंने चार्ज किया मेरे को, सिर्फ कैरियर, नो सिर्फ नॉट ओनली कैरियर, कैरियर एंड लेग गार्ड का बोथ देव चार्ज में 6,800। तो ये देखिए ऐसा लुक है उसके बाद। और कुछ ज़्यादा यू नो उसमें ऐसा एक चेंज नहीं लग रहा, जस्ट दैट यू नो देर इज़ अ कैरियर। आई थिंक इट्स नॉट दैट यू नो ऑड लुकिंग, टू बी ऑनेस्ट इट्स लुकिंग इन सिंक विद द बाइक। यहाँ से भी देख लीजिए, दिस इज़ अनदर व्यू। सो इट कैन होल्ड, आई थिंक एक 25 किलो तक वेट आराम से होल्ड कर सकता है। सो दिक्कत नहीं, उसे ज़्यादा भी कर सकता है, बट आई विल नॉट ट्राई। आई थिंक नॉट पॉसिबल टू कि किसी को बिठा दे उस पर, तो आई डोंट थिंक सो उतना कैरी कर पाएगा वेट, क्योंकि आपने कनेक्शन देखे उसके, ज़्यादा बड़े स्क्रू नहीं है, छोटे स्क्रू ही हैं। तो अप टू 25 kg इज़ वॉट द डीलर टोल्ड मी कि उतना आराम से आप रख सकते हैं। ये लेग गार्ड है, लेग गार्ड इज़ अगेन प्रोवाइडेड बाई जावा ओनली। तो मैं एक्चुअली दूसरा वाला लगाना चाहता था, बट दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, नॉट टू बिग एंड यू नो एक डिसेंट लग रहा है। सो दैट्स द लेग गार्ड। बाकी आई थिंक नाउ द प्रॉब्लम व्हाट आई सी इज़ कि यू नो आपको पता ही है कि अगर यू नो ये भी एक है, जैसे कि देखिए एक और एक्सेसरी मैंने बाहर से लगवाया एक्सटर्नल। सो दिस इज़ द मोबाइल होल्डर। सो आप लास्ट वीडियो मेरा अगर आपने देखा होगा तो ये मेरे को दिक्कत आई थी कि अगर आप इसको टर्न करते हैं तो ये चार्जर है ये स्टक हो जाता है कैमरे के सामने। सो यू कैन नॉट, दैट्स वाई यू हैव टू कीप इट वर्टिकल ओनली। दैट्स वाई अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा बॉबर का, तो यू नो देर इज़ अ मीटर कमिंग इन, राइट? सो कमिंग बैक, सो दिस इज़ द कैरियर। सो आई थिंक कैरियर, अब दिक्कत यह है कि अगर कभी पंचर हो गया तो पूरा निकालना पड़ेगा, ये मड गार्ड एंड कैरियर बोथ यू हैव टू टेक इट आउट। सो अभी तो टेम्प्रेरी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, बट यू नो आई एम प्लानिंग टू चेंज द व्हील्स टू अलॉय व्हील्स। मैंने एक जगह बात भी किया है, और यू नो उन्होंने 11,000 कोट किया है दोनों टायर्स का, एंड गुड यू नो इट्स ओरिजिनल अलॉय व्हील्स फ्रॉम जावा। सो आई एम थिंकिंग यू नो, और अगर वो आ गया तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसका भी, ताकि आप लोग देख सकें कैसा लग रहा है। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ब्लैक मैट फिनिश अलॉय व्हील्स हैं। सो आई थिंक दैट विल एटलीस्ट विल नॉट हैव इशू, पंचर का कुछ इशू भी होगा तो आई थिंक यू कैन फिक्स इट प्रॉपरली। नहीं तो इसके लिए काफ़ी दिक्कत मुझे लग रही है कि अगर कहीं बाहर गए और पंचर हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट वेट फॉर RSA टू कम एंड पिक द बाइक एंड ऑल दैट, उतना टाइम किसके पास है। तो दो आपको एडवाइस करूँगा कि RSA ले लें। सो यही है गाइस, इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट वीडियो, और जब मेरा अलॉयज आ जाएगा तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, एंड विल गो फॉर लॉन्ग राइड ऑल्सो जस्ट टू शो यू हाउ इट इज़ ऑन हाईवे।
So thank you so much. I hope you liked it. If you need any information, please let me know. Thank you.